बॉलीवुड में ऐसा कई बार हुआ है कि किसी एक्टर ने अपनी मूवी में उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी लेकिन फिर भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया गया। नंबर 3, सुशांत सिंह राजपूत। इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में एमएस धोनी जैसे पावरफुल कैरेक्टर को करने के लिए सुशांत सिंह ने अपना सब कुछ दे दिया था। वो इस मूवी में परफेक्ट दिखने के लिए दिन रात नेट्स में प्रैक्टिस करते थे और उनका ये हार्ड वर्क हमें फिल्म में भी देखने को मिला है। लेकिन इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस देने के बाद भी सुशांत को बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला था। उनकी जगह ये अवार्ड आमिर खान को दिया गया था फॉर दंगल मूवी। लेकिन जब आमिर खान अवार्ड शोज अटेंड ही नहीं करते, तो अगर ये अवार्ड सुशांत जैसे यंग टैलेंट को मिलता तो आमिर खान भी रियली बहुत खुश होते। नंबर 2, विकी कौशल। फिल्म मसान में विकी ने बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस दी थी जिसे ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया था। सबको लग रहा था कि बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड तो विकी कौशल को ही मिलना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली विकी कौशल को नॉमिनेट भी नहीं किया गया था और ये अवार्ड मिला सूरज पंचोली को उनकी हीरो मूवी के लिए। और नंबर 1 पर है इरफान खान। मकबूल फिल्म में इमरान खान ने एक गैंगस्टर का किरदार निभाया था और ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसे काफी अप्रिशिएट किया गया था, लेकिन फिर भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड इरफान खान की जगह शाहरुख खान को दिया गया।